क्षमा गनीसा, तो बान मिठाई के बाद में दूसरे दिन मॉर्निंग में हल्दी फंक्शन था, तो ये पूरी जो डेकोरेशन है ये हल्दी फंक्शन की गई है। ये हल्दी लोकेशन का माइलस्टोन रखा हुआ है जिस पे हल्दी 0 किलोमीटर, फिर एक प्रॉप लगा हुआ है, ये चश्मा फ्लावर वाला प्रॉप का है जिसमें आप सेल्फी खिंचवा सकते हो, फोटोज़ खिंचवा सकते हो। एक साइड ये कठपुतली वगैरह लगी हुई थी ताकि वो राजस्थानी राजपूती लुक दे। उसके बाद ऊपर पूरा डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद ये गेट लगा रखे थे। ये हल्दी के लिए बैठने के लिए बाजोट लगाया हुआ था जिसमें उसको बिठाएंगे। और फिर बाद में ये एक और डेकोरेट किया हुआ था जिसमें फ्लावर वगैरह लगे थे। और यहाँ हम सब बहने वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। फिर हल्दी फंक्शन शुरू हो गया तो दूल्हे को वो पहले बिठाया गया सोफे पे, और एक एक करके सब आ रहे थे और हल्दी लगा रहे थे। ये वीडियो हल्दी की जो क्लिप होती है, रील्स बनती है, उसके लिए हो रहा था। फिर ऐसे बिठाया गया था, फिर खड़े होके सब क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद में ये वाली रील थी, शॉर्ट्स बोल दो रील्स बोल दो, जो एक एक साइड में लड़कियां हो रही थी और लास्ट में दूल्हे का चेहरा दिख रहा था। तो ये 2-3 बार ट्राई करने के बाद एकदम सही बना था। फिर दूल्हे पे हल्दी वाला पानी फेंका गया, वो भी 2-3 बार ट्राई किया क्या, क्योंकि सही वीडियोस क्लिक फोटोज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद जो फाइनल लुक था वो आप आगे फोटो में देखिए, ये इसका फाइनल लुक आया था फोटोज़ का। उसके बाद आप ये देखिए, ये पूरा वीडियो जो एडिट हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो मैंने क्लिक करवाई थी जो सारे प्रॉप के साथ में थी, तो वो मैंने ऐड की है।